ओसिया में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जलदाय विभाग के कर्मचारी को ट्रैप किया, कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र गोयल AAO को गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तारी। और अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ भी चल रही है। अनु चौधरी CI ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जोधपुर के ओसिया में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, AAO राजेंद्र गोयल को 10,000 की रिश्वत के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। तो प्रदेश भर में भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सजगता से कार्रवाई करता है, और अब इसी तरीके की कार्रवाई जोधपुर के ओसिया में देखने को मिली है। CI द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। CI अनु चौधरी ने राजेंद्र गोयल, जो AAO के पद पर हैं, उन्हें 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ चल रही है। जलदाय विभाग के कर्मचारी AAO को गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी सुनील ओझा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जलदाय विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आते समय किसी कर्मचारी या किसी लोगों का काम नहीं होने के कारण थक हार कर वो एसीबी के डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मनचाहे पैसा दिया जाता है काम के एवज में, फिर भी उनको काम नहीं करने और बार बार चक्कर कटवाने और काम को अटकाने के बाद ये मामला एसीपी तक पहुंचता है। और जोधपुर एसीपी अनु चौधरी द्वारा, जे अनु चौधरी द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ओसिया के AAO जो है अकाउंटेंट, जो काम करते हैं, किसी का बिल पास करवाने की बात करें या विभाग के जो भी काम होते हैं छोटे कार्मिकों का, चाहे बड़े अधिकारियों का काम होता है, तो यही जो AAO के पद पर जो बैठे हैं ये कार्य करते हैं, और उनके द्वारा बार बार चक्कर काटने पर एक कर्मचारी द्वारा ही एक कर्मचारी को एसीपी में पकड़ा गया है और उनको गिरफ्तारी के बाद ओसिया थाने में पूछताछ चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बार बार कर्मचारी का कहना है, बताया जा रहा है कि बार बार कहने के बाद भी जब काम नहीं किया जा रहा है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो थक हार कर उन्होंने एसीबी में कार्रवाई की और एसीबी ने 10,000 रुपए के रंगे हाथों के साथ इनको गिरफ्तार किया। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए सुनील। तो जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा।